15वां अध्याय चित्र केतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्र केतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और विछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट होते जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से ही पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहां आए हैं। कृपा करके बतलाइए आप लोग हैं कौन। मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्ता सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, रिभु, अंगिरा, देवल, असित, अपारंतरम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुरकर्ण्य, अरुणी, रोशम, चवन्य, दत्तात्रेय, आसुरी, पतचंडली, वेदशिरा, बुद्धमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, ऋतुदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है।
यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, आत्मित्व, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुएं के समान सर्वथा असत्य हैं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकाने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरशन का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरशन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुआ जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को